ओके, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। मैं प्रभात शर्मा आपका स्वागत करता हूँ प्रभात शर्मा क्लासेस। तो आपका नया टॉपिक आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि सिविक्स का आज हम चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। नाम है इसका डायवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये हम पास्ट चैप्टर से कनेक्ट करके चलते हैं। डायवर्सिटी चैप्टर हम अच्छे से समझ चुके हैं, थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। डायवर्सिटी का मतलब होता क्या है, तो आइए देखते हैं। अब हम डायग्राम से पहले समझ लेते हैं, फिर हमें डायवर्सिटी दोबारा से अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो हमने प्रीवियस क्लासेस पढ़ी हुई थी उसमें भी हमने डायवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छा खासा पढ़ा था। तो हम थोड़ा सा और मीनिंग देख लेते हैं। डायवर्सिटी का मतलब इसमें दे रहा है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस। डायवर्सिटी एक ऐसा ग्रुप होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे क्या है, बहुत तरह के लोग हमें मिलते हैं, उनकी बहुत तरह तरह की क्या होती हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, तरह तरह की भाषाएं होती हैं। कोई हमारा हिंदी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, अगर हम राजस्थान में जाए तो राजस्थानी बोली जाएगी, और अगर हम साउथ की स्टेट्स में जाए तो हमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा जैसी लैंग्वेजेस का सामना करना पड़ेगा। वो हमारी क्या है, हमें डायवर्सिटी क्या है, एक दूसरे से अलग करती है। डायवर्सिटी हमारा जो हमारे जो लोग रहते हैं उनको एक दूसरे से अलग करते हैं, चाहे वो उनके लैंग्वेजेस के बेस पे हम अलग अलग करें, चाहे हम उसके क्लोथ के बेस पे करें। अगर हम पंजाब में चले जाते हैं तो वहाँ पे सभी लोग क्या है, लुंगी और कुर्ता पहन के दिखाई दे जाते हैं, पगड़ी दिखाई देती है उनके क्लोथ की। अगर हम नॉर्मल उत्तर प्रदेश में आए तो शर्ट पैंट देखते हैं, कुर्ता पजामा देखते हैं। तो ये हमें क्या है, डायवर्सिटी पता चलती है। अगर हम साउथ की उसमें जाए तो चनिया चोली दिखाई देती है, लोग फीमेल साड़ी पहनती है, कोई सूट पहना जाता है। ये हमें पता चलता है कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग डिफरेंट रीजंस में एग्जिस्ट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ क्लोथ्स। हियर द ऑल पीपल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वी कैन से दैट दे हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट क्लोथ्स, डिफरेंट फूड एंड डिफरेंट रीजंस। वहां के अगर हम देखें तो वहां का खाना भी अलग होता है। कहीं पे अगर हम साउथ में देखें तो हमारा इडली डोसा, जो भी हमारे राइस प्रोडक्ट्स जो होते हैं वहाँ पे हमें राइस प्रोडक्ट्स देखे जाते हैं, इडली डोसा सांभर ये सब चीजें देखी जाती हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो हमारे दाल चावल रोटी देखी जाती है, और पंजाब में सरसों का साग मक्की की दोरी रोटी दिखाई देती है हमें। तो ये चीजें हमें लोगों से अलग करती हैं, चाहे उनकी वेशभूषा हो, चाहे उनका धर्म हो, रिलीजन हो, चाहे उनके क्लोथ्स हो, और चाहे उनकी लैंग्वेजेस हो। नेक्स्ट हमारा डिफरेंट रिलीजन्स। हमारे देश जो है अलग अलग रिलीजन से मिलकर बना हुआ है। हमारे देश में पता चलता है कि हमारे देश में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं। ये सभी देश हमारे मिलकर ये क्या है, ये सारी चीजें मिलकर हमारे देश को एक बनाते हैं। बेशक हमारे देश में तरह तरह के लोग रहते हों, बट हमारी जो डायवर्सिटी है, एक यूनाइट करना है हमें उनको। यूनाइट मतलब सभी तरह के लोगों को जो डिफरेंट प्लेसेस से आते हैं, डिफरेंट फूड खाते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट ड्रेसेस पहनते हैं, उन सभी को यहाँ पे एक करना है। तो यही हमारा डायवर्सिटी का मेन मोटिव होता है। Because in India we have different cultures, different foods, different languages as well as different parts and regions. अगर हम बात करते हैं next हमारा जो word दे रखा है discrimination। Discrimination का मतलब होता है inequality करना, मतलब लोगों में भेदभाव करना। कोई अगर अमीर है तो उसको ज्यादा importance हम देते हैं, और अगर कोई गरीब है तो उसको कम importance देते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल रिच एंड पुअर, बिकॉज हियर नो पीपल्स आर ट्रीटेड एज इक्वल्स, उन सभी को बराबर नहीं माना जाता। तो ये हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, आइए हम जरा कुछ रीडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक दे रखा है टॉपिक, डिफरेंसेस एंड प्रेजुडिस। देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेजेस वी स्पीक, what we eat and wear, the games we play, things we celebrate। ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं कि हम बहुत तरीके के लोग, हम बहुत तरीके की चीजें देखते हैं, हम कहाँ पे रह रहे हैं, वो कौन सा एरिया है, हम उस एरिया में क्या क्या खाते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कौन से गेम्स हम खेलते हैं।
ये सारी बातें और कौन कौन से त्योहार से मनाते हैं। अब देखो हम अगर रिलीजन की बात करें, सारे रिलीजन्स में अलग अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे हम हिंदू की बात करें तो हमारी होली दिवाली मनाई जाती है, दशहरा, रामनवमी। अगर हम मुस्लिम की बात करें तो उसमें हमारी ईद मनाई जाती है। क्रिश्चियन की बात करें तो क्रिसमस डे मनाया जाता है, ईस्टर संडे होता है, गुड फ्राइडे होता है। सिख की अगर हम बात करें तो हमारे गुरु पर्व होते हैं बहुत तरह, गुरु गोविंद सिंह जयंती होती है, गुरु नानक जयंती होती है। ये अलग अलग जो है हमारे रिलीजन्स के अलग अलग तरीके के त्योहार मनाए जाते हैं, फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि हमारे देश में अलग अलग कल्चर के लोग एग्जिस्ट करते हैं, जिनके अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, उनके अलग अलग रीति रिवाजें हैं और उनका अलग अलग संस्कृति है। बिकॉज उनकी संस्कृति से ही, कल्चर से ही उनका हमें क्या है, पहनावा पता चलता है, उनकी पर्सनैलिटी पता चलती है। इसीलिए हमें बताया जाता है कि हमारी कंट्री जो है डायवर्सिटी से बनी हुई है, यानी कि हमारी कंट्री में अलग अलग तरीके के लोग, उनके पहनावे, उनके खाना, उनकी वेशभूषा, ये सारी चीजें हमें अलग अलग देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑल ऑफ दीस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। ये सारी चीजें हमें उनकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री से कैसे पता चलती हैं। ज्योग्राफी से बात करें, अगर हम हरियाणा में जा रहे हैं तो वहां पे हरियाणवी लैंग्वेज बोली जाएगी, वहां की वेशभूषा क्लोथ अलग होंगे, ज्योग्राफी हो गई। अगर हम पंजाब की तरफ ट्रेवल करते हैं, वहां हमारी भाषा पंजाबी बोली जाएगी, वहां के क्लोथ अलग होंगे और वहां के फेस्टिवल्स, खाना भी अलग देखा जाएगा। अगर हम साउथ में कर्नाटका और तमिलनाडु में चले जाते हैं तो वहां की लैंग्वेजेस और क्लोथ्स हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो ये सारी बातें हमें बताती हैं। और हिस्ट्री की जब बात आती है तो हिस्ट्री का मतलब ये है बेटा, हर किसी ना किसी व्यक्ति, किसी ना किसी चीज का अपना ही क्या होता है, इतिहास होता है, अपनी हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री से हमें कैसे पता चलता है, जो पुराने हमारे रिलीजन्स, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, हमारी जो रीति रिवाज हैं, संस्कृति हैं, वो हम पुराने पूर्वजों से सीखते हुए आते हैं, वही चीजें हमें पृथक करती हैं और वही चीजें हमें अलग अलग करती हैं। वही चीज हमारे क्या है, डायवर्सिटी का, ज्योग्राफी एज वेल एज हिस्ट्री का पार्ट बताता है। नेक्स्ट देखते हैं, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज इफ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब तुम्हें पता चलेगा कि इंडिया किस किस पर्पस से हमारा अलग दिखता है, किस किस की फॉर्म्स में हमारा इंडिया अलग दिखता है। देयर आर एट मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। हमारे दुनिया में आठ तरह के धर्म हैं, आठ तरह के लोग हमारे एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग धर्मों में। बिकॉज दीज पीपल्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स। इन लोगों को हमारे धर्म के हिसाब से बांट दिया गया है। यही चीजें क्या है, हमें लोगों को एक दूसरे से अलग बताती हैं, डायवर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करती हैं। नेक्स्ट है, एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। हर तरह का धर्म जो है फॉलो किया जाता है हमारे इंडिया में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, सब तरीके के लोगों को अधिकार है, राइट है किसी भी धर्म को फॉलो करने का। तो यही चीजें हमें डाइवर्स करती हैं, अलग बनाती हैं। नेक्स्ट है, हमारे देश में 1600 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिसमें हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हमारी हिंदी और इंग्लिश है। और हमारी लैंग्वेजेस अगर हम देखें, स्टेट के हिसाब से अलग अलग लैंग्वेजेस बना दी गई हैं। जैसे अगर हम यूपी में देखा जाए तो हमारी हिंदी, उर्दू चलती है। अगर हम महाराष्ट्र में देखते हैं तो मराठी हमारी देखी जाती है। अगर हम गुजरात की देखते हैं तो गुजराती। अगर हम कर्नाटका की देखते हैं तो कन्नड़ा। तमिलनाडु की देखते हैं तो तमिल और तेलुगु, ये सारी। और केरला की देखते तो मलयालम, हमारे साउथ स्टेट्स में देखने को बोली जाती है। And there are more of them, hundreds of dance forms. और हर स्टेट का कल्चरल डांस अलग है, वहाँ का जो फोक डांस है वो भी अलग है। वो क्या है, हमें अलग चीजें डांस से भी ये बताता है कि हमारा जो कंट्री है उसमें तरह तरह के डांसेस पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think alike.
अगर हम बात करें हमारी डाइवर्सिटी की कि वो कैसे लोग सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, वो सारी चीजें हमें डाइवर्सिटी में देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी का अलग अलग चीजें देखना, चाहे वो कैसे भी बेसिस पे हो, लैंग्वेजेस पे हो या क्लोथ्स पे हो, चाहे रिलीजन पे हो या फूड पे हो, चाहे वो हम कैसे भी सोचें, ये चीजें हमारी डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं, बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हम करते हैं, समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, we may find them strange and unfamiliar। अगर हम बात करते हैं कि अगर हम किसी नई जगह पे जा रहे हैं तो वहां पे अजनबियों से लोग मिलते हैं, उनसे ज्यादा फैमिलियर नहीं हो पाते, उनसे ज्यादा हम ज्यादा मिल नहीं पाते, हम अपना क्या है उनसे थोड़ा स्ट्रेंज समझते हैं। वो कब तक समझेंगे? जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, अपनी डाइवर्सिटी नहीं बताएंगे। अगर हमने बता दिया हम इस धर्म के हैं, हम ये खाना खाते हैं, हम ये कपड़े पहनते हैं, हमारी ये सोच है, तो क्या है लोग आपस में मिलेंगे, कॉपरेशन बनेगा, डाइवर्सिटी यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फेमस होगा, क्योंकि हमारे देश में जो जवाहरलाल नेहरू ने यूनिटी और डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, यहाँ पे हमारी तरह तरह के हमारा देश तरह तरह के धर्मों से बना हुआ है, तरह तरह के फूड आइटम्स खाते हैं, तरह तरह के रिलीजन हैं, लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इन सभी को एक करना है, बिकॉज अवर कंट्री इंडिया इज ओनली वन एंड टू यूनाइट द कंट्री, दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द डाइवर्सिटी फॉर द नेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट हम समझते हैं, पीपल्स आल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स ओपिनियंस एंड अदर्स वेयर आर नॉट लाइक देम। अब सभी लोगों के अगर हम देखें, सबके क्या है पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है, सबके नजरिए अलग अलग होते हैं, एस्पेक्ट्स अलग अलग होते हैं, अप्रोचेस अलग अलग होते हैं, बिल्कुल ये जब तक अलग अलग होंगे, जब तक हम लोगों को जानेंगे नहीं और वो लोग हमें कैसे अलग बनाते हैं, उनके चाहे पहनावे हों, उनकी संस्कृति हो, कल्चर्स हो, ट्रेडिशंस हो, इनके बेसिस पे उनकी क्या है नजरिए सोच अलग अलग बने हुए होते हैं, बिकॉज दी शेप आउट ऑफ व्हाट पर्सनैलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ऑन द बेसिस ऑफ इट वी कैन से दैट एवरी पर्सन हैज डिफरेंट ओपिनियन एज वेल एज डिफरेंट एटीट्यूड्स। नेक्स्ट हम पेज करते हैं, लुक एट द स्टेटमेंट्स बिलो। अब कुछ स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे जो हमें रूरल लाइवहुड के बारे में बताएगा और अर्बन लाइवहुड के बारे में बताएगा। हम कुछ बातें पढ़ेंगे जो हम किसमें बताएंगे, कुछ गांव के जो लोग रहते हैं उनके बारे में बातें पढ़ेंगे और कुछ जो शहर के लोग हमारे रहते हैं उनके बारे में बात पढ़ेंगे। एक्चुअली हमारा जो इंडिया है वो दो तरीके के एरियो से बना हुआ है, पहला एरिया आता है उसमें अर्बन शहरी जिसको हम बोलते हैं शहर वाला एरिया, दूसरा जो एरिया आता है हमारा ग्रामीण यानी कि रूरल एरिया आता है। उनके कुछ हम स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, जरा ध्यान दें। ऑन रूरल पीपल, अगर हम गांव के लोगों की बात करें, मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन द विलेजेस। जैसे अगर हम बात करें हमारे आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन है हमारे गांव में रहती है, बिकॉज हमारा जो देश है वो जब हमारा देश इंडिपेंडेंस हुआ था, आजाद हुआ था, तो हमारे देश को ग्राम प्रधान देश बोला गया था, क्योंकि हमारे देश में गांव की ज्यादा संख्या थी एज कम्पेयर टू शहरों की संख्या। तो आधे से ज्यादा लोग जो है वो हमारे गाँव में बास करते हैं, विलेजेस में लिव करते हैं, रिसाइड करते हैं। Next है, villages do not care about their health, they are full of superstition। villages में क्या है, health की ज्यादा care भी की जाती, वहाँ पे जैसे इंसान रह रहा है वहाँ के atmosphere में उसे फलना पड़ता है, वहाँ की health facilities भी अच्छे से available नहीं होती, वहाँ के लोग superstitious होते हैं। superstitious का मतलब ये हुआ अंधविश्वासी, अरे अगर उस गांव में शहर में जाके कुछ इंसान को करा लेगा तो लोगों में अंधविश्वास पैदा हो जाता है, वो टोने टोटके करने लगते हैं। ये अंधविश्वास लोगों का सुपरस्टिशियस फीचर के बारे में बताता है कि गांव के लोग ज्यादातर अंधविश्वासी होते हैं, फालतू की बातों पे विश्वास करते हैं, इसीलिए उनका हेल्थ स्टेटस सही से नहीं हम देख पाते, बिकॉज ये हमारा एक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट हम समझते हैं, पीपल इन विलेजेस आर बैकवर्ड एंड डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। गांव के लोग क्या है पुराने तरह के अपने मेथड्स में लगे हुए हैं, उन्हें
पुराने तरीके ही सही लगते हैं। अगर एग्रीकल्चर, बिकॉज एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द विलेजेस, हमारे गांव का जो मेन काम है वो क्या है कि कृषि है, एग्रीकल्चर करना है, वो वहां की पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहे हैं, जो पुराने मेथड्स हैं, पारंपरिक तरीके हैं उनको यूज कर रहे हैं, मगर वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को नहीं यूज करना चाहते, आधुनिक जो तरीके हैं उनको बिल्कुल यूज नहीं करना चाहते, वो थोड़े अपने हटे हुए हैं, अपने हाथों को संकोच कर देते हैं, हटा देते हैं, भाई हमारा पुराना वाला मेथड अच्छा था तो हम क्या है विलेज के पीपल पुराने मेथड्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिलीज स्पेंड 12 टू 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड। अब देखो गांव में घर का काम क्या होता है कि भाई गांव में लोग खेतों पे काम करते हैं तो आराम से 12 से 14 घंटे उनका जो काम है वो खेतों में ही चला जाता है। नेक्स्ट जो बात बताई गई है विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट सिटीज इन द सर्च ऑफ वर्क। विलेज से यानी गांव से जो लोग बाहर निकलते हैं वो क्या है जॉब की सर्च में आते हैं कि भाई हमें शहर जाएंगे वहां पे नौकरी मिलेगी, उस सोच से वो जाते हैं, उस थिंकिंग से वो जाते हैं कि भाई हमें शहर में जाके नौकरी करनी है और वो क्या है गांव से माइग्रेट करते हैं। बिकॉज आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारा स्वतंत्रता के टाइम में जो देश बोला जाता था उसके बाद में हमारा ग्राम प्रधान देश एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी कृषि प्रधान देश बोला जाता था क्योंकि हमारे देश में उस टाइम पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर हुआ करते थे, वहां पे हमारी इंडस्ट्री नहीं सेटअप हुई थी तो लोग क्या है एग्रीकल्चर ही काम करते थे, मगर आज के टाइम पे बात की जाए लोग शिफ्ट हो गए हैं, जब से उन्होंने लगा है कि भाई हमें एग्रीकल्चर से ज्यादा इनकम नहीं है तो वो लोग क्या है शहरों में जाके शिफ्ट हो गए हैं, शहरों में जाके अपनी नौकरी देखने लग गए हैं, तो ये सोच से वो क्या है अपने शहर की तरफ लोग वो हमारे ट्रांसफर होते हैं, माइग्रेट करते हैं, पलायन करते हैं शहर की तरफ नौकरी देखने के लिए। ओके क्लास, कल हम आपको अर्बन पीपल्स के बारे में बताएंगे कि अर्बन में शहरी में लोग क्या करते हैं, उनकी क्या सोच होती है, उनके क्या काम होते हैं। आपके प्रभात शर्मा चैनल से क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं।